शिवपुरी जिले में सर्किट हाउस रोड के सामने स्थित शराब की दुकान के सामने सड़क पर कार में बैठकर शराब पीना दो युवकों के लिए भारी पड़ गया। मौके पर पहुंची यातायात पुलिस ने युवकों को लताड़ लगाते हुए कार को क्रेन से उठवाकर यातायात थाना भिजवा दिया। मामले में यातायात पुलिस ने धारा 185 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। कार मालिक को अब न्यायालय से गाड़ी छुड़वाना महंगा पड़ेगा। दरअसल पिछोर के काली पहाड़ी निवासी कार मालिक सोनू गुप्ता अपने एक दोस्त के साथ कार में बैठकर शराब पी रहा था, तभी वहां यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव अपनी टीम के साथ पहुंच गए, जिसे देखकर कार में बैठे शराब पी रहे दोनों युवक सक पका गए और शराब की बोतल और गिलास छुपाने लगे। लेकिन यातायात प्रभारी ने युवकों की इस हरकत को पकड़ लिया और कार से शराब से भरी गिलास और शराब की बोतल जब्त की। यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार को क्रेन से उठवाकर यातायात थाने भेजा और मामले में धारा 185 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया। ये अभी अभियान चल रहा है, जो भी लोग दारू पी के वाहन चला रहे हैं, जो भी लोग सड़क पर सार्वजनिक स्थल पर दारू पी रहे हैं, उनके खिलाफ अभियान के तौर पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक हमारे द्वारा लगभग 25 लोगों पर ट्रैफिक के द्वारा कार्रवाई की 185 की, जिसमें 2.5 लाख रुपये जुर्माना भी वसूला न्यायालय के द्वारा। कल ऐसा ही एक मैटर था जिसमें लोग शिकायत कर रहे थे कि कलारी के पास कुछ लोग गाड़ियों में बैठ के शराब का सेवन करते हैं, तो मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ देखा तो बिल्कुल सही था, पाया गया कि कुछ लोग गाड़ी में बैठ के शराब पी रहे थे, जो कि सार्वजनिक स्थल पर नहीं पी सकते और ये नियम विरुद्ध भी है। उसके बाद उनको गाड़ी को टो करके क्रेन मशीन से थाना यातायात लाया, 185 कार्रवाई की गई है। और मैं यही कहना चाहूँगा सभी से कि आप जितने भी लोग जो शराब पीते हैं सार्वजनिक स्थानों पर, उन सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और NRI प्रकरण बना के भेजा जाएगा।